नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आपको जानकारी दूंगा कि लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा आप पर कैसे हो सकती है, कैसे आपके घर में धन धान्य की बरकत हो सकती है, कैसे आपको रुका हुआ धन मिल सकता है, ये आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ ही यदि आपके घर में दरिद्रता का वास हो चुका है तो उस दरिद्रता को कैसे आप नष्ट करेंगे ये आपको बताऊंगा। बताऊंगा आपको कि कौन सा रंग आज आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि बताने वाला हूं मैं आपको आज का दैनिक राशिफल। इसी के साथ ही किचन का महा उपाय आपके लिए जबरदस्त साबित होगा और सफलता का अचूक उपाय तो हर दिन मैं आपको दे रहा हूं, जिसको करने के बाद आपको सफलता निश्चित तौर पर मिल जाती है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओम विष्णु प्रियाय नमः, इस मंत्र को आप नोट करें। ओम विष्णु प्रियाय नमः, इस मंत्र का 54 बार यदि आप जाप करेंगे, अपने व्यापार के कार्य के निमित्त आप जाएंगे तो आपको व्यापार में श्री हरि और देवी लक्ष्मी की कृपा से जबरदस्त फायदा होगा। इस मंत्र को आप नोट करके रखिएगा। और आपको बताते हैं आज का दैनिक पंचांग। दिनांक 22 अप्रैल 2022, दिन शुक्रवार, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे। राहु काल से आपको अवगत करा दूं, सुबह 10:30 बजे से और 12 बजे तक ये समय है, इसे अशुभ काल माना जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करिएगा वरना आपका कार्य बिगड़ सकता है। दिशाशूल पश्चिम दिशा, यानी कि आज पश्चिम दिशा की तरफ आपको जाने की मनाही है। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से ग्रह की पूजा अर्चना करके देवी लक्ष्मी और प्रभु नारायण को प्रसन्न किया जा सकता है, ये तो आपको बताऊंगा। लेकिन किचन का आज विशेष उपाय आप ही के लिए है, उसको लिए बिना आप बिल्कुल ना जाएं। और सफलता का अचूक महा उपाय हर दिन की भांति आपको अवश्य लेना है। लेकिन पहले जानते हैं कौन से ग्रह से आप देवी लक्ष्मी और प्रभु नारायण को मना सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह और चंद्रमा ग्रह को स्त्री कारक ग्रह माना जाता है, दोनों ही ग्रह स्त्री कारक हैं। शुक्र और चंद्रमा की पूजा अर्चना करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, यानी आपको रुके हुए धन की प्राप्ति हो जाती है, अन्न और धन की बरकत होने लगती है, घर में पैसा बहुत कमाते हैं, बचत नहीं होती, तो इन ग्रहों की पूजा अर्चना आपको करनी होगी। शुक्र और चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए घर में काले और नीले रंग का प्रयोग आपको कम से कम करना है, इस चीज को आप नोट करें। अपने घर के दक्षिण पूर्वी भाग में रसोई घर आप जरूर बनाएं, इसे हम आग्नेय कोण बोलते हैं। शुक्र जो है यहां के स्वामी होते हैं, तो ऐसे में यहां किचन होगी तो आपकी जो दिन प्रतिदिन की जो इनकम है वो बढ़ती जाएगी। प्रतिदिन रसोई घर में काम करने से पहले हमारी जो माताएं हैं, बहनें, बिटिया हैं, वो इस दिशा में, यानी कि जो आग्नेय कोण होता है, वहां पर एक दिया जलाएं और दिया जलाने के बाद ही अपने कार्य को आरंभ करें। संभव हो तो घर की महिलाएं रसोई घर में बिना स्नान किए प्रवेश ना करें, ऐसा करने से भी वो देखेंगे कि उनके घर में दिन प्रतिदिन बरकत होने लगी है। हमेशा अपनी रसोई घर में देवी अन्नपूर्णा की एक फोटो आपको जरूर स्थापित करनी चाहिए। जब भी कोई आरंभ करें कार्य, आप खाना बना रहे हैं, लंच बना रहे हैं, डिनर बना रहे हैं, आप उनको प्रणाम करिए और उसके बाद अपना खाना बनाइए, फिर देखिए आप उस भोजन का स्वाद और आनंद ही अलग होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको उत्तम स्वास्थ्य मिले, भोजन आपका स्वादिष्ट मिले, तो ऐसा आप जरूर करिएगा। आग्नेय कोण में जो है आपको दिया भी जलाना होगा और देवी अन्नपूर्णा की फोटो जो है आपको वहां पर जरूर स्थापित करनी होगी। यदि आप ऐसा करेंगे तो घर के लोग स्वस्थ भी रहेंगे, भोजन भी स्वादिष्ट बनेगा, श्री हरि के साथ साथ देवी लक्ष्मी की अनुकंपा आप पर बनी रहेगी। आइए अब जान लेते हैं मेष वृष मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि कौन से रंग का आपको प्रयोग करना है, कैसे आपके कार्यों में रुकावट आती है और क्या करना है क्या नहीं करना, इसके अनुसार आपको चलना है ताकि आपको कोई नुकसान ना हो।
बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि, किसी भी जरूरी काम में देरी हो सकती है। वाहन दुर्घटना का योग बना हुआ है। अपने भाग्य पर आप विश्वास रखिएगा, भरोसा रखिएगा और शुभ रंग आपके लिए आज नारंगी साबित होगा। बात करते हैं वृष राशि की। मित्र के मिलने का योग बना हुआ है। दोपहर बाद समय आपके लिए उत्तम रहेगा। रिश्तों में मधुरता आएगी। शुभ रंग आपके लिए हरा साबित होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। किसी भी काम में कोई लापरवाही या जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। घर पर आए हुए मेहमान का रेस्पेक्ट आप जरूर करें। पारिवारिक वाद विवाद जो है खत्म हो जाएंगे। परिवार में शुभता आएगी और शुभ रंग आपके लिए आज काला साबित होगा। आइए अब आपको बताते हैं कि वो कौन सी गलतियां होती हैं जिनको करने के बाद आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती लेकिन दरिद्रता हमेशा के लिए वहां पर आ जाती है और घर से बाहर निकलना नहीं चाहती। कौन सी वो गलतियां हैं वो आप जानिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आप अपने घर की महिलाओं का सम्मान नहीं करते। शुक्र और चंद्रमा की अशुभता के कारण, मैंने आपको पहले भी बताया कि चंद्रमा और शुक्र जो है वो स्त्री कारक ग्रह हैं। यदि आप अपने घर की माता बहन स्त्रियों का सम्मान नहीं करेंगे तो वहां पर दरिद्रता का वास निश्चित तौर पर हो जाएगा। घर के दक्षिण पूर्वी भाग, जिसे हम आग्नेय कोण बोलते हैं, वहां पर यदि कोई आपने वाटर टैंक बनाया हुआ है, जल भराव की स्थिति है, तो वास्तु दोष उत्पन्न होने के कारण वहां दरिद्रता का वास हो जाता है। शुक्र जो कि स्त्री कारक ग्रह है वह भी पीड़ित होता है। ऐसा करने से घर की स्त्रियां बीमार भी रहने लगती हैं। रात्रि में आप देर तक जागते हैं, सुबह देर से उठते हैं। ऐसा करने से शनि और चंद्रमा का दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़ता है। चंद्रमा धन के लिए भी देखा जाता है, शनि कर्म के लिए देखा जाता है। दोनों ही ग्रह आपके प्रभावित हो गए और हर तरीके से आपको दुष्प्रभाव देना उन्होंने आरंभ कर दिया। घर में छोटी छोटी बातों पर आप आपसी कलह कलेश करते हैं तो घर की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी, दिन प्रतिदिन वो खराब होती जाएगी। घर में इधर उधर गंदे कपड़ों का होना, टूटी फूटी चीजों का जमा करके रखना मां लक्ष्मी को हर तरीके से नाराज कर देता है। खास तौर पर यदि आप अपनी पत्नी का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं तो देवी लक्ष्मी आपके घर का रास्ता भूल जाएंगी। भूल जाइए कि आपको धन की बरकत होगी या फिर जो आपने धनार्जन किया है, पैसे कमाए हैं, वो आप बहुत लंबे समय तक बचा कर रख पाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो आप अपने घर की माताओं बहनों और स्त्रियों का बिल्कुल सम्मान करना आरंभ करिए। जन्म कुंडली का चंद्रमा और शुक्र आपको शुभ परिणाम जरूर देगा। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं किचन से कुछ खास, जिसको करने के बाद आपका हर कार्य निश्चित तौर पर सफल होगा। लेकिन पहले जानते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मन सारा दिन परेशान रहेगा। दूसरों की मदद करने का प्रयास करें। बाहर के खान पान से आपको बचना है। गुलाबी रंग आपके लिए बेहतर साबित होगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि, दोपहर तक अपना जरूरी कार्य आप निपटा लें। घर में मांगलिक कार्यक्रम होंगे। किसी का मन ना दुखाएं तो बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए मेहरून साबित होगा। बात करते हैं कन्या राशि की। नौकरी में आज लाभ होगा। उधार दिया हुआ पैसा आपको मिल सकता है। अन्न का दान करना आपके लिए उत्तम है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप जो गलतियां करते हैं और दरिद्रता को घर पर बुला लेते हैं, यानी कि लक्ष्मी जो है आपके घर में रुकती नहीं, सिर्फ और सिर्फ दरिद्रता के कारण आप बीमार रहते हैं, दवाओं पर आपका पैसा खर्च होता है, फिजूल खर्ची होने लगती है, तो वो गलतियां आप बिल्कुल ना करें। अब घर में अन्न और धन की बरकत का वो कौन सा ऐसा महा उपाय है जिसको करने के बाद देवी लक्ष्मी नारायण की, प्रभु नारायण की कृपा आप पर हो जाए, वो समझते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहन लें। देखिए, किसी भी पूजा अर्चना के अंदर जब आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं तो यहां पर चंद्रमा और शुक्र आपको अच्छा परिणाम देता है। गेहूं के आटे का आपको एक गोल दिया बनाना है।
दिए में कलावे की बाती के साथ ही थोड़ा सा देसी घी और देसी कपूर आप भर दीजिएगा, उसमें रख दीजिएगा। श्री लक्ष्मी नारायण जी के सामने आपको यह दिया प्रज्वलित करना है और एक विशेष मंत्र जो मैं आपको देने जा रहा हूं, यह महामंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आप नोट करें, ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार कमलगट्टे की माला मिल जाए बेहतर है, वरना लाल चंदन की माला आप ले सकते हैं। 108 बार आप लाल आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करें। अपना मुंह हो सके तो फेस जो है आपका वो उत्तर दिशा नॉर्थ साइड आपको रखना है और अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम स्ट्रेट रखिएगा, सीधा रखिएगा। आपके घर में अन्न और धन की बरकत की प्रार्थना आपको देवी लक्ष्मी और प्रभु नारायण से करनी है। मात्र इतना सा करके देखिए, एक ही दिन में आपको यह चमत्कार महसूस हो जाएगा कि आपकी फिजूल खर्ची बंद होने लगी है, दवाओं पर पैसा धीरे धीरे जाना बंद हो गया है। तो किचन का वो कौन सा खास उपाय है वो आपको बताऊंगा, और सफलता का अचूक महा उपाय जो अकाट्य है वो भी आप मुझसे लीजिए। लेकिन पहले आपको बता दूं तुला वृश्चिक धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, सम्मान मिलने का योग बन गया है, बड़े बुजुर्गों की सलाह आपको अवश्य लेनी है, अपने वादे को निभाने की भरपूर कोशिश करिएगा, शुभ रंग आपके लिए हरा साबित होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की, व्यापार में सफलता थोड़ा कम मिलेगी, मन में निराशा ना लाएं, घर पर मेहमान आने का योग बना हुआ है और उनसे उलझिएगा भी नहीं आप, घर की दक्षिण दिशा को आप बिल्कुल साफ रखें, शुभ रंग आपके लिए सफेद रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की, पारिवारिक कलह कलेश खत्म होंगे, धन किसी को उधार बिल्कुल ना दें, रुके हुए कार्य पूरे होने लग जाएंगे वो भी दोपहर के बाद, शुभ रंग आपके लिए गेरुआ साबित होगा। तो सफलता का अचूक महा उपाय है मेरे पास, उसको लिए बिना बिल्कुल भी ना जाइएगा। लेकिन देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का महामंत्र कौन सा है, कौन सा ऐसा वो चमत्कारिक महा उपाय है जिसको करने के बाद देवी लक्ष्मी आपके घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगी, ये समझते हैं। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन शाम के समय स्नान करके आप एक लाल आसन पर बैठ जाएं, अपना फेस अपना चेहरा उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ आपको रखना है, अपने सामने एक 1.25 मीटर लाल वस्त्र बिछाएं और उस पर श्री लक्ष्मी नारायण जी की एक फोटो या श्री विग्रह को आप स्थापित कर लें, गाय के घी का आपको एक दिया उनके समक्ष प्रज्वलित करना है और शुद्ध स्फटिक की माला से, लाल चंदन की माला ले सकते हैं, स्फटिक की नहीं है तो, एक महामंत्र को आप नोट करें, शुद्ध स्फटिक की माला से ओम दारिद्र ध्वंसिनी नमः, इस मंत्र को आप भली भांति नोट कर लीजिएगा, ओम दारिद्र ध्वंसिनी नमः, इस मंत्र का 5 माला आपको जाप करना है। ऐसा आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर से दरिद्रता जाने लगी है, लक्ष्मी का वास हो गया है, और जाप के बाद लक्ष्मी नारायण जी को थोड़े से गुलाब का इत्र आप अर्पण करें और उसी इत्र को आप हर रोज प्रसाद के रूप में लगाएं, किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं तो आप लगाकर जाएं, नौकरी का व्यापार का या किसी महत्वपूर्ण कार्य आपका अटका हुआ है उस कार्य को पूरा चाहते हैं आप हो जाए तो उस इत्र को आप अपने थोड़ा सा दाई या बाई कलाई पर आप लगाकर जाइएगा, आप देखिए कितनी जल्दी आपको सफलता मिलती है। और सफलता का अचूक महा उपाय तो मेरे पास है आपके लिए, वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जानिए मकर कुंभ मीन राशि का दैनिक राशि का। मकर राशि, सोचा हुआ कार्य मुश्किल से होगा, रिश्तों की खटास बिल्कुल ना आने दे, बिल्कुल मधुर रखिए अपने रिश्ते, फिजूल खर्ची से आपको बचना है, पैसे को संभाल के रखिए, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। कुंभ राशि, बड़े बुजुर्गों का आदर करें, शाम तक समय आपके अनुकूल है, व्यापार में फंसा हुआ धन भी आपको मिल जाएगा, शुभ रंग आपके लिए नीला है। बात करते हैं मीन राशि की, परिवार के साथ समय बिताएं, अकारण किसी से उलझना बिल्कुल नहीं है, अपनी वाणी पर अपनी बोली पर आप नियंत्रण रखिए, बहुत सोच के समझ के बोलिए, शुभ रंग आपके लिए पीला साबित होगा। अब वो अचूक महा उपाय आपको दे दूं, उससे पहले आप जान लीजिए कि किचन से भी हमारे पास बहुत कुछ है आज,
वो कौन सा उपाय है वो आपको बताएंगे, लेकिन आपके समक्ष आने वाला है सफलता का महामंत्र, सफलता का महा उपाय। दो मुट्ठी सात अनाज पक्षियों को डालें और उनके पीने वाले पानी की व्यवस्था करनी है, आपको अचूक सफलता मिलेगी जो आपको निश्चित तौर पर सफल भी बनाएगी, आपके रुके हुए कार्यों को पूरा भी करने लगेगी। तो इस उपाय को आप भली भांति नोट करें और पक्षियों के लिए थोड़े दाने की और जो है जल की व्यवस्था जरूर करें। अब बात करते हैं महिलाओं के, यानी हमारे माताओं बहनों के सम्मान की और उनके सेहत की। देखिए, हमारी माताओं बहनों के यदि आंखों में कुछ समस्या हो गई है, यानी कि उनकी आंख जो है हर तरीके से वो महसूस कर रही है, कुछ इरिटेट हो रही है आंखों को लेकर, या फिर आंखों की ज्योति जो है दिन प्रतिदिन कम होने लगी है, तो प्रतिदिन तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिएं और उसी जल से अपनी आंखों को धोएं भी। ऐसा करने से आपके आंखों की समस्या दिन प्रतिदिन कम होने लगेगी। अब बात करते हैं उनके सम्मान की, जो उनको हमेशा मिलना चाहिए। एक पान के पत्ते पर हल्दी और कुमकुम से ओम लिखकर आप अपने पर्स में रख लीजिए। मात्र इतना सा करिए, आप हर तरीके से सम्मानित रहेंगे। अब रसोई घर का वो महा उपाय जो मैं आपको बता रहा था शुरू में, अब उस उपाय का समय आ गया है आपको देने का, जिसे आप लीजिए और आप अपने हर तरीके से कार्य को सफल बना लीजिए। आज हम आपको किचन से बताने वाले हैं गेहूं के आटे के बारे में। जी हां, गेहूं का आटा आपको 2 चम्मच लेना है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर एक दिया तैयार कर लीजिए। यानी पानी नहीं मिलाना, सिर्फ और सिर्फ उसमें गंगा जल मिलाना है। दिया जब तैयार हो जाए तो सरसों का तेल भरिए, रुई या कलावे की एक बाती लगाइए और शाम के समय पीपल के वृक्ष की जड़ के पास आप इसको प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए। ऐसा करने से भयंकर शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी। शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो, किसी भी तरीके का शनि का दुष्प्रभाव हो, आप इस उपाय को करके देखिएगा, आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया कि कैसे देवी लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर हो जाती है, कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिससे आपके घर में दरिद्रता रहने लगती है और आप पैसे कमा कमा कर थक चुके हैं, बरकत नहीं होती। तो ज्योतिष गुरु के बताए हुए इन उपायों को आप अमल करिएगा, इन पर आप थोड़ा सा विचार करिएगा और विचार करने के बाद आप देखेंगे जब आपने ये उपाय किए हैं तो आपको लाभ मिलने लगा है, लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा आपके परिवार पर होने लगी है। तो आज के विषय में इतना ही, फिर किसी नए विषय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। Presenting the news app, available on Google Play and App Store. Download it now.